नमस्कार दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सटेंडेड राउंड कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में बताने वाली हूँ। अब देखिए, इस एक्सटेंडेड कॉलर को लगाने के लिए हमें कुर्ती के फ्रंट पैनल में थोड़े चेंजेस करने होंगे, तो वो देखिए क्या करने हैं। यहाँ मैंने बैक पैनल स्ट्रेट कुर्ती के हिसाब से कट कर रखा है और जो साइज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ शोल्डर लाइन है मेरी 7.5 इंच और जो चेस्ट लाइन है वो है 38 इंचेस। अब इस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं राउंड कॉलर कट करने वाली हूँ। देखिए, पहले इस पूरे बैक पैनल को हम इस तरीके से ओपन कर देंगे। अब यहाँ सेंटर में मैंने मार्क किया है। अब इसके एक साइड जितना भी नेक रखना है वहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ मैं 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब 3.25 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट में इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब फोल्ड करने के बाद देखिए, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है हमें एक सिंगल कपड़े के ऊपर कट करना है। देखिए, ये सेंटर मार्क है, ये गले की चौड़ाई है। अब यहाँ से हमें स्लिट बनाने के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है और बिल्कुल सीधा कट कर लेना है। यहाँ से हम आर्म होल की जगह से सेम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, फ्रंट पैनल के लिए एक साइड कट हो चुका है। यहाँ पे इस तरह सेंटर में एक मार्क कर लें। इस तरह एक साइड कट होने के बाद दूसरा साइड हम कट करेंगे। अब जो कुर्ती का बैक पैनल है उसको बिल्कुल पूरा फोल्ड कर लें। इस तरीके से फोल्ड करके एक सिंगल पैनल हम फिर से कट करेंगे। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा हमें नहीं लेना है। अब देखिए, फ्रंट पैनल के दोनों साइड कट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम इनको फोल्ड करके और स्लिट्स बनाएंगे। दोनों साइड को करीब 1.5 इंच तक फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह मैंने फोल्डिंग कर ली है। कटिंग के टाइम ध्यान रखना है, दोनों पैनल्स इस तरीके से आमने सामने होने चाहिए। अब देखिए, स्लिट बनाने से पहले इनको हम अच्छे से सेट करेंगे। पहले बैक पैनल लें, इसको डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो फ्रंट पैनल का बड़ा वाला पोर्शन है उसे अच्छे से सेट करें। अब शोल्डर लाइन तक इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड कर लें। अब इस साइड हम फ्रंट पैनल का छोटा वाला पोर्शन सेट करेंगे। देखिए, अच्छे से सेट करके अब इस स्लिट को पहले ऑल पिन से फिक्स कर लें तो आपको स्लिट बनाने में आसानी होगी। दोनों को मिला के हम यहाँ पहले पिन से फिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ फ्रंट पैनल में करीब 8 इंचेस तक इस स्लिट को खुला छोड़ दें। अब बाकी स्लिट को हम यहां से बंद कर लेंगे। देखिए, यहां इस तरीके से जहां मार्किंग की है वहां डबल सिलाई कर लें और फिर जो स्लिट की सिलाई दिख रही है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई करके इस स्लिट को बंद कर दें। अब नीचे से अगर स्लिट आपको ओपन रखनी है तो 15 इंच तक छोड़ के बाकी स्लिट को हमें बंद करना है। स्लिट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ फ्रंट में नेक की कटिंग करेंगे। देखिए, इस फ्रंट पैनल को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद यहां पर जो नेक की चौड़ाई हमें रखनी है वो है 3.25 इंच। 3.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे
और लंबाई रखनी है 4 इंच। अब यहाँ पे इस तरीके से हम राउंड नेक का शेप देके इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल के फ्रंट की कटिंग भी कर लेंगे। आप ये कटिंग पहले ही ना कर लें, पहले स्लिट्स बना के और फिर इसकी कटिंग करें। अब हम शोल्डर लाइन को जॉइन कर लेंगे। फ्रंट पैनल और बैक पैनल को आमने सामने रख के यहाँ से इसको स्टिच कर दें। अब हम बैक पैनल में भी नेक लाइन की कटिंग करेंगे। बैक पैनल को इस तरीके से डबल फोल्ड करके करीब 1/2 इंच तक राउंड नेक को कट करें। देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये कॉलर हार्ड लग सकता है, इसलिए आप डायरेक्ट इसे ट्राई ना करें। पहले आप सिंपल कॉलर नेक बनाएं और फिर उसके बाद राउंड कॉलर इस तरीके से स्टिच करना सीखें। अब हम कॉलर के लिए कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये मेरा 3 इंचेस है। तो जब हम कॉलर को कट करेंगे तो यहाँ इस कैनवास के ऊपर पहले हमें 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेने हैं, पूरे में 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेने। यहाँ इसकी लंबाई देखिए करीब 18 इंचेस है। देखिए, इस एक्सटेंडेड कॉलर को ध्यान से बनाइएगा, इसकी कटिंग ध्यान से देखिए। देखिए, पहले 3 इंच तक हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर से हम नीचे की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डबल फोल्ड फेजिंग पेपर को इस नेक लाइन के नीचे की तरफ अच्छे से सेट करें। देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बंद वाली साइड हमारी गोलाई वाला हिस्सा आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे जो हमने गले की चौड़ाई रखी है वहाँ पे मार्क कर लें 3.25 इंच पे। अब इस मार्क के ऊपर इस बैक नेक को अच्छे से सेट करें। अब यहाँ शोल्डर लाइन पे भी एक पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लें। अब यहाँ जो राउंड नेक दिख रहा है, पूरे इस राउंड नेक पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब इसके बाहर की तरफ आपको जितना भी कॉलर रखना है वहाँ पे मार्क कर लें। यहाँ मैं 1/4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 इंच चौड़ा भी कॉलर बना सकते हैं। इस तरीके से पूरे राउंड नेक पर हम कॉलर की चौड़ाई जितना मार्क कर लेंगे। कॉलर के लिए पूरी मार्किंग हो चुकी है, अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये एक्सटेंडेड राउंड कॉलर आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं, बस उसमें हमें गले की चौड़ाई और गले की लंबाई का खास ध्यान रखना है। बाकी कॉलर का जो प्रोसेस है वो सेम यही रहेगा। सेम इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। अब पिंस को हम हटाते जाएंगे और अच्छे से राउंड कॉलर का शेप दे देंगे। अब देखिए, इस कॉलर में थोड़े और चेंजेस करने हैं। जो एक्सटेंडेड पार्ट है वहाँ तक इस एक्स्ट्रा स्ट्रिप को कट कर लें, क्योंकि अंदर की तरफ एक्स्ट्रा भी है। अब इसे हटाकर नीचे वाली स्ट्रिप में हम नीचे वाले पैनल्स तक मार्क करके
और इस एक्स्ट्रा कॉलर को हटा देंगे। अब देखिए बीच में से हम इस स्ट्रिप को हटा देंगे। अब ये हमारा एक्सटेंडेड राउंड कॉलर पूरा कट हो चुका है। देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से सेट होगा। एक्सटेंडेड राउंड कॉलर की कटिंग के बाद इसको हम कपड़े पर इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। बाहर से फोल्डिंग का एक्स्ट्रा रखना है। अब यहाँ से हम इस तरीके से स्टिच करके और इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो एक कच्ची सिलाई कर सकते हैं और पूरा कॉलर बनने के बाद उसे खोल सकते हैं। कॉलर की इस तरीके से स्टिच होने के बाद एक सेम साइज का हम एक और कपड़ा लेंगे और इस कॉलर के नीचे रखकर इस कॉलर को हम स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पूरी गोलाई में अच्छे से घुमाते हुए स्टिच करें। अब स्टिच करने के बाद नीचे की तरफ जो हमने कपड़ा रखा है उसमें भी हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हम पूरी गोलाई में कट कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम सिर्फ सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी का कपड़ा कट कर लेंगे। इस एक्सटेंडेड राउंड कॉलर में पूरी जहाँ भी गोलाई है वहाँ पर छोटे कट लगा दें। छोटे कट लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कॉलर को अटैच करने से पहले इसे आयरन ज़रूर कर लें। अब देखिए कॉलर को लगाने के लिए कुर्ती को हमेशा उल्टा रखें। अब फ्रंट पैनल का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वहाँ से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सटेंडेड पार्ट का जो फुल पॉइंट है वहाँ से कॉलर लगाना स्टार्ट करें। अब यहाँ पहले हम इसे ऑल पिन से फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से पिंस लगा के आप पूरे राउंड कॉलर को यहाँ अटैच कर लेंगे तो आपको स्टिच करने में भी आसानी होगी, क्योंकि अक्सर राउंड कॉलर लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसको इजीली किस तरीके से लगाया जाता है उसका भी डिटेल्ड वीडियो मेरा आ चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए कॉलर को बिल्कुल लूज छोड़ना है, उसे खींचना नहीं है। कॉलर को लूज छोड़ते जाएं और इस पूरे नेक पर इसे पिन से फिक्स कर लें। अब यहाँ फ्रंट पैनल का जो दूसरा वाला साइड है वहाँ तक हम इस कॉलर को ले जाएंगे और वहाँ जाके फिनिश करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स हमेशा स्टाइलिश रहना चाहते हैं तो इस कॉलर को ज़रूर ट्राई करें। ये बनने के बाद बहुत ही शानदार लुक देता है, एकदम ब्रांडेड कुर्ती की तरह। अब देखिए यहाँ तक मैंने कॉलर को फिक्स कर लिया है। यहाँ से जो सिलाई का आएगा उसे एक्स्ट्रा छोड़ दें, वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा।
अब हम यहाँ पर पूरी गोलाई में स्टिच कर लेंगे। यहाँ पिंस को हटाते जाएंगे और पूरे कॉलर को हम यहाँ अटैच करेंगे। राउंड कॉलर को अच्छे से स्टिच करें। अब देखिए ये राउंड कॉलर है तो स्टिच भी हमारी इस तरीके से राउंड शेप में आएगी। यहाँ कॉलर को अपनी तरफ ना खींचें, इस तरीके से राउंड शेप में धीरे धीरे स्टिच करते जाएं, पूरे कॉलर को यहाँ फिक्स कर दें। पूरे एक्सटेंडेड कॉलर को अगर आप बिना पिंस से अटैच किए ही इसे डायरेक्ट नेक पर लगाएंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि आप पहले इसे पिन से फिक्स कर लें। एक एक पिन को हम निकालते जाएंगे और आगे की तरफ स्टिच करते जाएंगे। कॉलर नेक के मेरे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, उसमें मैंने राउंड कॉलर, एक्सटेंडेड कॉलर, चाइनीज़ कॉलर या कोई भी कॉलर नेक है उसकी डिटेल्ड वीडियो मेरी बनाई हुई है। अगर आप कॉलर नेक पसंद करते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। कॉलर नेक वैसे भी हमेशा कुर्ती को एक यूनिक लुक देता है। अब देखिए कॉलर हमारा लगभग कंप्लीट होने को है। यहाँ तक कॉलर को स्टिच करने के बाद कॉलर के जो साइड्स हमने खुले छोड़े हैं उनको स्टिच करना है। यहाँ से इसे फोल्ड करके और कॉलर को हम बंद कर देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कॉलर को बंद करेंगे। अब कॉलर के कोनों को अच्छे से बाहर निकालना है और कुर्ती को सीधा रख के कॉलर को हम पूरे में फिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ कॉलर की गोलाई आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए यहाँ मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ। इसको अंदर की तरफ इस तरीके से हम फिक्स करेंगे और इस कॉलर के साथ ही इस लेस को भी यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये लेस ऑप्शनल है, आपको नहीं लगानी तो आप मत लगाइएगा। अब यहाँ देखिए राउंड कॉलर को हम अच्छे से गोलाई में घुमाते जाएंगे और पूरी गोलाई में हम यहाँ किनारी पर स्टिच करेंगे। देखिए पूरे कॉलर को हमें किनारी पर स्टिच करना है। लेस को अच्छे से सेट करते जाएं और पूरे एक्सटेंडेड राउंड कॉलर पर इसे अटैच कर लें। ये हमारा एक्सटेंडेड साइड है। यहाँ भी लेस को बिल्कुल एंड तक ले जाना है। अब यहाँ पर आके लास्ट में हम इसे कट कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ दबा देंगे। कॉलर का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसे फिक्स करने के लिए वहाँ कॉर्नर पर हुक एंड आई यूज़ करें, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही दिखाया है। देखिए बाकी प्लेकेट पर बटन्स यूज़ करें और इसे यूनिक लुक दें।
फ्रेंड्स, आपको ये कॉलर नेक पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।